क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नितियाज ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, मुकाबला भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जहां स्कॉटी की टक्कर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करनी होती बांग्लादेशी टीम। दोस्तों, आपको बता दें, उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 167 रन लगा दिए थे। दोस्तों, आपको बता दें, इतने लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, उस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत उतनी कुछ खास रही नहीं, लेकिन दोस्तों, आपको बता दो, अंत में भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत के लिए 6 गेंदों पर चाहिए थे 12 रन। ऐसे में स्ट्राइक पर थे विजय शंकर और उनके सामने थे दिनेश कार्तिक। दोस्तों, आपको बता दो, गेंदबाजी कर रहे थे सौम्या सरकार। ऐसे में सौम्या सरकार ने ओवर की पहली गेंद तो वाइड दे दी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, अब जीत के लिए भारतीय टीम को 6 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, विजय शंकर ने अगली ही गेंद डॉट कर दी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, अब जीत के लिए 5 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। दोस्तों, आपको बता दो, अगली ही गेंद पर विजय शंकर ने एक सिंगल ले लिया। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, 4 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन और स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने भी एक रन ले लिया। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, 3 गेंदों पर चाहिए थे 9 रन और स्ट्राइक पर वापिस आ गए थे विजय शंकर। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, अगली ही गेंद पर विजय शंकर ने एक करारा चौका जड़ दिया, जिसे देखकर भारतीय टीम को जीत के लिए 5 रनों की दरकार थी सिर्फ 2 गेंदों में। दोस्तों, आपको बता दो, ऐसे वक्त पर ना चतुराई दिखाते विजय शंकर ने गैर जरूरी शॉट खेल दिया और वो कैच आउट हो बैठे। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, भारतीय टीम की जीत बिल्कुल नामुमकिन ही लग रही थी, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दो, भारतीय टीम के पास सिर्फ गेंद एक बची थी और जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। ऐसे में स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। दोस्तों, आपको बता दो, सबकी धड़कनें रुक गई थी आखिरी गेंद पर। जैसे ही सौम्या सरकार ने आखिरी गेंद फेंकी तो दिनेश कार्तिक ने उसे फ्लिक कर सीधा छक्के की ओर पहुंचा दिया और दोस्तों, आपको बता दो, भारतीय टीम 5 रन की जगह 6 रनों से इस मुकाबले में जीत गई। दोस्तों, आपको बता दो, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के होश उड़ा दिए थे और इस मुकाबले को आज तक इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। दोस्तों, आपको यह मुकाबला कैसा लगा था हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और अगर वीडियो को सही हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिएटिव होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।